Hello everyone, good afternoon everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. Guys, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बस confirmation देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बस confirmation दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? जल्दी fast. Am I audible? Is it visible? गुरु जी एग्जाम फोड़ दिया आपकी क्लास से, क्या बात है अमित भाई, लव यू यार. गुड आफ्टरनून श्रवणी, हेलो सर, गुड आफ्टरनून राधिका. तो फटाफट से सब लोग गाइस आते जाएंगे, मस्त तरीके से, एकदम मस्त तरीके से अपन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे. और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यह है गाइस कि मस्त तरीके से हम अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मस्त तरीके से हम लोग चीजों को मचाने वाले हैं. और इंडिया के बेस्ट एजेई इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है. इंडिया का बेस्ट एजेई इलेक्ट्रिकल सेशन गाइस आप लोगों ने बनाया है, आपके प्यार ने बनाया है. पिछले पौने दो साल के अंदर अंदर गाइस जितनी भी बार हम मिले हैं, चाहे क्लियर, चाहे DSSSB हो या DFCCIL हो, RVUNL हो या RSMSSB, SSCJE हो या NHPC या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, OCT बोकारो का पेपर हो या हमारा पेपर हो गाइस, किसका, दैट इज यू सब, आप सभी जानते हैं, महाट्रांसपेरेंट, यूपी मेट्रो, इन सभी एग्जाम में गाइस आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं. और जब आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो बेटा मैं वादा करता हूँ गाइज आपसे, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आपका एग्जाम हो DRDO का या आपका एग्जाम हो बेसिकली किसका, महाजन को AJEE, या आपका एग्जाम हो PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी या केंद्र विद्यालय संगठन TGTWE, इन सभी एग्जाम में मेरे इन्हीं सेशन से आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ आज. वो भी एक दो नहीं गाइज, पूरे 20-80% से भी ज्यादा. बस एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर एंड लाइक कर देंगे मस्त तरीके से, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को मचाते हैं. जल्दी फटाफट जल्दी, आप सभी को पता है गाइस, दिवाली हो या दशहरा हो, मोहित सर की क्लास रोज रहती है, मंडे टू फ्राइडे गाइस मेरी क्लास जो रहती है वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहती है. और सैटरडे और संडे जो बेटा मेरी क्लास रहती है, सैटरडे और संडे जो मेरी क्लास रहती है, ये बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास रहती है मैराथन सेशन, जिसके अंदर हम लोग मचाते हैं. क्लियर, चलिए क्लियर, सब कुछ फाइन है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर, एग्जीक्यूशन प्रॉपर क्लियर, बी रेडी टू टेक, जल्दी बताएंगे, एकदम मचाने को रेडी हो? यस सर, गुड मॉर्निंग रितिका, क्या बात है. आज हमारे धुरंधर लोग दिख नहीं रहे, कहाँ गए भाई हमारे धुरंधर लोग, हमारे धुरंधर लोग आज दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ गए, कहाँ चले गए हमारे धुरंधर लोग, पढ़ने वढ़ने की इच्छा मर गई क्या हो गया है? 2023 में ये रिजोल्यूशन लिया कि पढ़ने वढ़ने की इच्छा, एग्जाम देने गए, काहे का एग्जाम है आज, आज कौन सा एग्जाम है, आज कौन सा एग्जाम है यार, मेरा नेट नहीं आ रहा है, ले गया तेरा कोई नेट, ले गया तेरे पास से चुरा के, है? तेरा नेट कोई तेरे पास से चुरा के ले गया. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आज किस चीज का एग्जाम है, किसी चीज का एग्जाम है, DRDO का अलावा. गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून सृष्टि, DRDO का कैंसिल हो गया है गुरु जी, अब 22 को होगा, क्या कैंसिल हो गया DRDO का पेपर ही कैंसिल हो गया. गुड आफ्टरनून प्रदीप, क्या कैंसिल हो गया भाई DRDO का. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइज आज का मैराथन सेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मैराथन गाइज, क्लियर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैराथन, FCI का एग्जाम है सर, अच्छा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी पेपर है, ओके. गुड आफ्टरनून राजदीप, चलिए समझ गया मैं, कुछ बच्चों का पेपर है आज, राइट. चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, है ना, स्टार्ट करते हैं. इन एन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क विल बी, एक आर्क वेल्डिंग के लिए बेटा कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक आर्क वेल्डिंग के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है आर्क को मेंटेन करने के लिए, एक आर्क वेल्डिंग में कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है आर्क को मेंटेन करने के लिए, 250 से 500 वोल्ट, 150 से 250 वोल्ट,
20 से 30 वोल्ट या बिलो 10 वोल्ट। तो गाइस एक आर्क वेल्डिंग के अंदर जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली मात्र बहुत कम होती है, जो भी कितना मात्र 20 से लेके 30 वोल्ट। इससे ज्यादा आर्क वेल्डिंग के लिए आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है बेटा। आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए मात्र करंट चाहिए, वोल्टेज की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी हमको नहीं है। मात्र करंट चाहिए बेटा, यहाँ पे हमको वोल्टेज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमको करंट चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरिटी है क्या? यस सर, क्लियरिटी है। आज बहुत बढ़िया स्क्रीन दिख रही है, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द ट्रांसफार्मर यूज इन वेल्डिंग सेट इज, एक ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग वेल्डिंग सेट के अंदर हम यूज करते हैं, एक ट्रांसफार्मर है बेटा जिसको हम लोग वेल्डिंग सेट में यूज करते हैं, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है चलिए बताएंगे। एक ट्रांसफार्मर हम लोग वेल्डिंग सेट में जो यूज करते हैं ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जल्दी बताएंगे। द ट्रांसफार्मर यूज इन वेल्डिंग सेट, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? The transformer used in welding set, clear? The transformer used in welding set, ये कौन सा transformer होता है जल्दी बताएंगे। The transformer used in welding set, ये कौन सा transformer होता है? सर रिजल्ट नहीं आया सब इंजीनियर का? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, मत लोड लेता है। वो क्या है देख, सब इंजीनियर के रिजल्ट में क्या लफड़ा चल रहा है और कुछ नहीं है, है? पूरे मध्य प्रदेश की जितनी कोर्ट थी ना सब में एक एक केस डाला हुआ है, तो सारी कोर्ट से क्लियरेंस मिल रहा है, दो कोर्ट से क्लियरेंस मिल चुका है, बाकी जगह से भी क्लियरेंस ले रहे हैं, एक दिन में क्लियरेंस मिल जाता है। लेकिन अभी क्या है देखो, पता कोर्ट वोट कैसे काम करते हैं, आज की बात करते हैं, 4 दिन बाद बात करते हैं। इस आएगा रिजल्ट तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तैयार रखा बैठा एकदम। चलिए, ट्रांसफार्मर यूज्ड इन अ वेल्डिंग सेट, अगर हम एक वेल्डिंग सेट की बात करें, गुड आफ्टरनून मोहिनी एंड सोनाली, ठीक है? तो वेल्डिंग सेट में जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज करा जाता है बेटा, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्रांसफार्मर को बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि बेटा हमको आउटपुट स्टेज पर वोल्टेज कम चाहिए, और हमें आउटपुट स्टेज में वोल्टेज कम चाहिए और हमें आउटपुट स्टेज में करंट ज्यादा चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन इन एडिशन टू कॉस्ट इन्वॉल्वड। तो बेटा अगर वेल्डिंग का हमको प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए इन एडिशन टू कॉस्ट इन्वॉल्वड, द काइंड्स ऑफ मेटल टू बी जॉइंट, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी फैब्रिकेटेड, द प्रोडक्शन टेक्निक यूज्ड, या ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बताइए। आज इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट कर दिए सर, जल्दी 1 बज रहा है दिन का, दिन में लोग 1 बजे तक तो एक दो बार खाना खा के सो चुके हैं काम करके, इतना जल्दी कहां स्टार्ट किया। चलो, द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द एडिशन ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। सर एक बात पूछनी थी, सेल इसको का जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल है तो क्या सीबीटी एग्जाम पटना में लेगा? यार ये बड़ा कठिन सवाल पूछा मनीषा आपने, है ना, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा बेटा कहां लेगा, है ना, अभी बोल नहीं सकते। आयुषी पीजीसीएल मॉक टेस्ट में 70-75, मॉक टेस्ट के मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता बेटा, मॉक टेस्ट के मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता, मॉक टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं आपके उससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिए, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं मॉक टेस्ट के मार्क्स से। मॉक टेस्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि आप सीख जाओ, है ना, आप सीख जाओ बस, और कोई रीजन नहीं मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस करना सीख जाओ। मॉक टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है आपके मेन एग्जाम से, आपका मेन एग्जाम कैसा आने वाला है ना, ये भारत में किसी को नहीं पता, ना मेरे को ना किसी और। तो मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक टू रिड्यूस योर मिस्टेक्स। तो थ्रू एमपी, थ्रू एमएससी, है ना, थ्रू एमएससी फिजिक्स डीआरडीओ में कोई अपॉर्चुनिटीज है क्या? यस डेफिनेटली है श्रवणी, एमएससी फिजिक्स के थ्रू डीआरडीओ में अपॉर्चुनिटीज होती है। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है एमएससी फिजिक्स के, इसरो डीआरडीओ में निकलती है। मैराथन शो एटीसी वाले क्लास करें और नॉट, नहीं ये वाली क्लास एटीसी के लिए नहीं, एटीसी की मैराथन शाम को 5 बजे। चलिए, द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग बेटा डिपेंड्स अपॉन इन एडिशन टू कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन इन एडिशन टू कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, द काइंड्स ऑफ मेटल टू बी जॉइंट, क्लियर, द काइंड्स ऑफ मेटल टू बी जॉइंट, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा याद रखना, अगर हमको एक प्रॉपर सिलेक्शन करना है वेल्डिंग का, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बेटा प्रोडक्शन किस तरीके का चाहिए आपको, कितना चाहिए, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कैसा फैब्रिकेट करना है, काइंड्स ऑफ मेटल्स टू बी जॉइंट, किस तरीके के मेटल्स आपको ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें हमारी डिपेंड करती है। नेक्स्ट, वॉट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या है, टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या है? आज बैठ कर क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे दिल ने बोला आज बैठ जाओ, हैं, दिल ने बोला आज बैठ जाओ तो बैठ गए, चलो हैं, मन बोल दिया बैठ जाओ तो बैठ गए, मन बोला खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ।
चलिए, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ टाइम? बेटा एक टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या है? एक टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो सारे बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा एक टाइम की अगर हम बात करेंगे तो एक टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट होती है बाय डिफॉल्ट वो हमारी होती है सेकंड्स। तो सेकंड इज द यूनिट ऑफ गाइस फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम, राइट। चलिए नेक्स्ट, एक 20 एम्पीयर का लोड है फ्लोइंग थ्रू द 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर, देन डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ डीसी सीरीज मोटर कंसिस्टिंग ऑफ 200 वोल्ट बैक ईएमएफ। बहुत प्यारा सवाल है गाइस। एक 20 एम्पीयर का लोड करंट है जो कि फ्लो होता है 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर से, देन डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी सीरीज मोटर कंसिस्टिंग ऑफ 200 वोल्ट बैक ईएमएफ। ओके मनीषा, जल्दी और सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे बेटा सभी बच्चे, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे, हर एक बच्चा लाइक एंड शेयर करता रहेगा सेशन को। 20 एम्पीयर लोड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर, देन डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ डीसी सीरीज मोटर कंसिस्टिंग ऑफ 200 वोल्ट बैक ईएमएफ। तो बेटा अगर हम एक डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो हमारा जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, हमारी जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ से एक करंट आता है मोटर के अंदर जिसको आर्मेचर करंट बोलते हैं, और यहाँ पर एक टर्मिनल वोल्टेज होता है मोटर के अंदर जिसको हम लोग वीटी बोलते हैं, यहाँ पर हमारा एक बैक ईएमएफ होता है। अब अगर हम इसके बाद की बात करें तो हमारी जो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल के आती है वो बेसिकली कितनी निकल के आती है? वो निकल के आती है आउटपुट यानी कि ईबी इंटू आई ए, ईबी इंटू आई ए डिवाइडेड बाय वीटी इंटू आई ए डिवाइडेड बाय वीटी इंटू आई ए। तो बेटा ईबी क्या होता है? बैक ईएमएफ। और वीटी क्या होता है? हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो ईबी हमारा है 200 और ये हमारा है 220, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 बाय 22, यानी कि कितना हो जाएगा 10 बाय 11। तो 10 बाय 11 के हिसाब से हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 90.90% इज द एफिशिएंसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुरु जी रनिंग डिप्लोमा वाले जेई एग्जाम नहीं भर सकते? नो अमित बेटा, डिप्लोमा कर ले इतनी जल्दी क्या है, डिप्लोमा तो कर ले पहले, इतनी जल्दी मत कर। चलिए, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का टाइप ऑफ अल्टरनेटर इज यूज्ड। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में कौन सा हम लोग अल्टरनेटर को यूज करते हैं? चलिए, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट द टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर इज यूज्ड। हाँ तो थर्ड सेमेस्टर, शांति बनाए रखो बेटा, 3 सेमेस्टर और निकाल फिर अपन समझेंगे, ठीक है? तब तक पढ़ाई करके एकदम तैयार करके रख दे सारी चीजें। चलिए, द हाइड्रो प्लांट द टाइप ऑफ अल्टरनेटर यूज्ड। तो एक हाइड्रो प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके के जनरेटर को हमको प्रेफर करना होता है उस तरीके के जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सेलिएंट टाइप। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन सेलिएंट टाइप। नॉन सेलिएंट टाइप हमारा एक इस तरीके का जनरेटर होता है जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर हमारा जो टाइप ऑफ अल्टरनेटर होता है ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमारा नॉन सेलिएंट टाइप का होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर होता है। कैसा होता है बेटा? सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला? सही बोला, गलत बोला? अरे नहीं सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में जो होता है ना वो क्या होता है पता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर जो होता है जनरेटर वो बहुत स्लो घूमता है, और स्लो घूमने वाले को सेलियंट पोल बोलते हैं, नॉन सेलियंट पोल नहीं बोलते। थर्मल में बोला जाता है, न्यूक्लियर में बोला जाता है। कौन सा? नॉन सेलियंट टाइप। इसमें कौन सा होता है चाचा? इसमें होता है बाय डिफॉल्ट सेलियंट टाइप, समझे? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स एंड लार्ज बस बार? बेटा इनमें से कौन सी रिले है जो हम लोग फीडर, आज के क्वेश्चन एकदम गगन चुंबी है। अरे गगन क्या, स्पेस चुंबी है पूरे के पूरे, कान लगे हो तो देखते जाओ है? सही बोला गलत बोला? और कुछ लोग घर में अभी सो रहे होंगे ना, दिन का समय है, कोई अभी थोड़ा सा इधर उधर गया होगा, कोई अभी ठंड के टाइम पे तो 11-12 बजे सो के उठा होगा, है ना। सबका अपना अपना भी चल रहा होगा, आराम से जीवन जी रहे हैं। क्या है, देखो जिंदगी में एक ही चीज है भाई, अभी सो लोगे तो बाद में जागना पड़ेगा, है ना, बाद में जागना पड़ेगा, और अभी जाग लोगे तो क्या पता बाद में सोना पड़ जाए, है ना। तो एक ही चीज है, ध्यान रखो जीवन में। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में हर फेज से गो थ्रू करके तो जाना ही, ये फैक्ट है। डिपेंड ये है, ये इंसान खुद बनाता है कि उसको करना कब एगा, है ना। डिपेंड ये उसको करना कब। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना इजी नहीं पूछते हैं सर अब। अच्छा मनीषा, इतना इजी नहीं पूछते अब, तो फिर ये कट ऑफ इतना हाई कैसे चला जाता है? और फिर जब मेरे पास पेपर आता है, बच्चों की रिस्पॉन्स शीट आती है, तो मेरे को कैसे दिखता है कि पेपर वैसा का वैसा ही है?
क्या होता है मनीषा, होता यह है कि वी आर, हम ना पेपर में अपना मेंटल टेम्परामेंट लूज कर देते हैं। पेपर तो हमेशा से आसान ही आता है और आता ही रहेगा, है ना। मेंटल टेम्परामेंट पेपर में लूज कर देते हैं, आसान चीजों को बड़ा बताने लगते हैं, ठीक है, आसान चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने लगते हैं, इसलिए हमें चीजें अलग से दिखने लगती है। अदरवाइज पेपर तो वही आता था और पेपर वही आएगा, ठीक है। चलिए, Which of the following relays, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना राइट नाउ, अभी मैं बोल रहा हूं आप में से जेन्युइनली, आप में से जब आप अभी दे रहे हो ना, है ना, आप अभी जो दे रहे हो, आप अभी अगर कर रहे हो ना, आप में से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। लेकिन बेटा, है ना, लेकिन जब आप लोग मेन एग्जाम में दाओगे ना, तो आप में से मात्र 80% बच्चे इसको गलत करके आएंगे, सेम यही क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि एग्जाम पे बैठना और यहां बैठने में आपके दिमाग की सिचुएशन दोनों अलग अलग होती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अभी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा सब आंसर दे दोगे, लेकिन यही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो 80% लोग बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आ जाएंगे। यही डिफरेंस है बस मेन एग्जाम में और ये एग्जाम, यही डिफरेंस होता है मेन मैच में और प्रैक्टिस मैच में, ठीक है। प्रैक्टिस मैच में प्लेयर 300 मारना, 200 रन मार देता है, लेकिन जब मेन मैच में जाता है तो 0 पे आउट हो जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मैच में तो अच्छा खेल रहा था। ओनली ओनली मेंटल पीस एंड मेंटल टेम्परामेंट इज इंपॉर्टेंट। फिर ऐसी सिचुएशन में प्लेयर अगर ये बोल देना कि यार ये पिच में मामला गड़बड़ था, तो फिर वही बात है, पेपर में ऐसा नहीं आता। तो हमारी सब कुछ, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी और कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेपर तो यही आएगा। चलिए, अब देखो, अब आप यहाँ पे होता तो आराम से रिलैक्स होकर के देख रहा, ठीक है, मोहित सर की क्लास ही तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड द लार्ज बस बार, हाँ तो इसको पता ही है, डिफरेंशियल रिले। लेकिन जब आप लोग मेन एग्जाम में देने जाते हो तब तो आप क्या करते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड लार्ज बस बार। बुकॉल्स रिले तो नहीं होगी, इतना तो आपको पता है। अंडर फ्रीक्वेंसी भी तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बस बार लिखा है, बस बार में फ्रीक्वेंसी 3% हो सकता है, तो अंडर फ्रीक्वेंसी भी तो हो सकती है। डिस्टेंस तो चलो नहीं होगा, लेकिन अंडर फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जो अब आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर बढ़ता है, फटाक से आप अंडर फ्रीक्वेंसी मार के आते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेन एग्जामिनेशन एंड अवर क्लास। ये डिफरेंस है। अभी आपके दिमाग में कहीं से भी अंडर फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई थॉट नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका दिमाग इतना रिलैक्स है कि अगर आप गलत भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन एग्जाम में जो आप अपने आप को बनाते हो, बस वही फर्क पड़ता है। तो उस पार्ट को सुधार लो, यकीन मानो कोई कुछ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं बेटा, इतना ही डिफरेंस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ स्टैकिंग फैक्टर इज यूजुअली, स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू यूजुअली क्या है? मेन एग्जाम में आपको स्टैकिंग फैक्टर स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बराबर दिखने लगता है। ये तक सिचुएशन आ जाती है बहुत बच्चों की ये तक सिचुएशन आ जाती है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग स्टैकिंग फैक्टर, पढ़ता स्टैकिंग फैक्टर है, दिमाग में स्ट्रिंग एफिशिएंसी चलने लगती है। बट अभी आपके दिमाग में स्टैकिंग फैक्टर ही चलेगा एकदम से, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4-5 सेकंड का समय रहता है। आप देखते हो स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग, और फिर सोचने भी लगते हो थॉट में, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इंसुलेटर, इंसुलेटर 90% के आसपास होती है, ज्यादा होनी चाहिए तो 1 के आसपास लगा दो। दैट इज द पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो गाइस, स्टैकिंग फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द कोर वॉल्यूम व्हिच इज टू बी यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोर। इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर पेपर देके जब रिस्पॉन्स शीट आती है तब बाहर देखते हो, अरे यार स्टैकिंग फैक्टर पूछा था क्या, मैं तो साला स्टैकिंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ के लगा के आ गया इसको। महबूब इलाही जी, सर इधर उधर की बात ना करें, ओनली टॉपिक पे ध्यान दें। महबूब जो जिस बात जो मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं ना बेटा, है ना, वो सिलेक्शन का 15% हिस्सा बनता है, इधर उधर की बात नहीं है बेटा ये, है ना। चलो, द रिजल्ट इन व्हेन कन्वर्टिंग 7000 नैनो एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर, एक 7000 नैनो एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करो, 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे पेपर के अंदर। द रिजल्ट ऑफ कन्वर्टिंग 7000 नैनो एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है बेटा नैनो एम्पियर को। तो सबसे पहले नैनो एम्पियर मतलब क्या होता है, 7000, 7000 मतलब 7 × 10⁻³ × 10⁻¹⁹, ये हमारा एम्पियर में आ गया। अब इसको हमको माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 10³ को इधर ले लो और एक 10³ को इधर ले लो और एक 10⁻⁶ को इधर ले लो, मतलब ये 10⁻⁹ को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लो, 10³ और 10⁻⁶।
अब ये हमारा एम्पियर हो गया, अब इससे ये चाचा कैंसिल हो गए, तो बच गए कौन से चाचा, सेवन। ये क्या लिखा है, माइक्रो एम्पियर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, सेवन माइक्रो एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन रजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू 20, 30 एंड 50 ओम है, जिनको हम कनेक्ट करते हैं डेल्टा कनेक्शन में। इफ द डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इज डन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द स्टार्ट स्टार। तो भैया कुल मिला के ये हमारा डेल्टा से डेल्टा है, और डेल्टा को जब हमको स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमारा इक्विवेलेंट कनेक्शन कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। जब हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमारा इक्विवेलेंसी कितनी हो जाएगी, ये बताना है आपको। तो ये हमारा 20 है, ये हमारा 30 है, और ये हमारा 50 है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे इसके अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y, और ये हमारा हो जाएगा z। तो आपको x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो वो हो जाएगी 20 into 30। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 into 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 प्लस, है ना, 20 प्लस 30 प्लस 50। तो यहां से निकल के आ जाएगा 3 × 2 = 6, यानी कि 600 डिवाइड बाय 50, 80 और 100, यानी कि 10। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 ओम। Now, y निकालने जाओगे तो 20 into 50 यानी कि 10, और ये z निकालने जाओगे तो 5 × 3 = 15। तो 6, 10 and 15 is the correct answer. 6, 10 and 15 is the correct answer. ठीक है, चलिए next question. What is the function of turbine in hydropower plant? Turbine का function क्या होता है? अब इस question में बच्चे क्या करते हैं paper में, पता है? हाइड्रोपावर प्रोड्यूस करता है, हीट पावर प्रोड्यूस करता है। बहुत बार हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, हम सोचते हैं टर्बाइन 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 प्रोड्यूस कर देता है, कुछ भी लगा के आ जाते हैं। आराम से पढ़ना है क्या एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है ना, आराम से पढ़ना है बेटा क्या एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। ठीक है, आराम से पढ़ना है, हीट पावर प्रोड्यूस करता है नहीं करता, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है नहीं करता। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैकेनिकल पावर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैकेनिकल पावर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल यूनिट्स अंडर द एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जल्दी करेंगे, which among the following is not a unit associated with the fundamental of units under the SI system of measurement. Jali. बेटा इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल यूनिट्स अंडर द एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एक एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर कौन सी यूनिट बेटा हमारी फंडामेंटल यूनिट की कैटेगरी में नहीं आती है? तो कौन सी यूनिट फंडामेंटल यूनिट की कैटेगरी में नहीं आती? मोल, कैंडेला, केल्विन या सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड सेल्सियस इज द यूनिट व्हिच इज नॉट कम इन द सेल्सियस इज द यूनिट व्हिच इज नॉट कम इन द व्हिच इज नॉट कम इन द मेजरमेंट सिस्टम। राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग शॉर्ट नेम इज ऑल्सो नोन एज डायोड ऑल्टरनेटिंग करेंट। इनमें से कौन सा बेटा शॉर्ट नेम है डायोड ऑल्टरनेटिंग करंट का? बहुत ही प्यारा सवाल है गाइस, तुम्हारी लुक ना हो जाए अंदर से तो बताना इस सवाल को देखने के बाद। The following short name is also known as diode alternating current. Following short name diode alternating current. जल्दी बोलेंगे। लुप लुप हुई? हाँ या ना? Absolutely sir. लुप लुप हुई? हाँ या ना? Absolutely sir. और कल बेटा आप लोगों के लिए पूरे 2023 का सबसे बड़ा मैराथन लेके आने वाला हूँ, पूरा कंट्रोल सिस्टम रिवाइज करवाने वाला हूँ कल दिन में 11 बजे से। पूरा कंट्रोल सिस्टम ही रिवाइज करवाने वाला हूँ कल दिन में 11 बजे से। ठीक है, चलिए। The following short name is also known as for diode alternating current. तो diode alternating current, diode की बात कर रहा है मतलब दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं, that is called diode, है ना? क्यों diode alternating current बोला इसको? अब कुछ बच्चे इसको SCR लगा के आते हैं पेपर में, क्यों? क्योंकि मोल सरने के बाद पता है SCR is somewhat like a diode. अबे गधों पूरा पढ़ो क्या लिखा है। डायोड एक ऐसा सिंबल होता है, डायोड एक ऐसा डिवाइस है, डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली करता क्या है, डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली करता क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है गाइस डायोड जो बेसिकली करता क्या है पता है आपको, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है। लेकिन डायोड क्या है, डायोड तो है बट बाई डायरेक्शनल डायोड है। ये वर्ड मैंने हजार बार बोला हुआ आपके सामने कि डायोड अपने आप में एक बाई डायरेक्शनल डायोड होता है जो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकता है, इसीलिए बाई डायरेक्शनल डायोड को डायोड ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज डायोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इम्पीडेंस रिले इज यूज्ड ऑन डैश टू ट्रांसमिट ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स। इम्पीडेंस रिले को हम यूज करते हैं बेटा ऑन डैश ट्रांसमिशन लाइन। इम्पीडेंस रिले किस ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रेफर की जाती है?
पहले जो पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम उसके साथ डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। वो 2022 में पढ़ाया गया था या 2023 में पढ़ाया गया था, तो डिफरेंस तो आ जाएगा, तभी तो दोबारा पढ़ा रहा हूं। अगर वही सेम कुछ हो जाता तो फिर दोबारा क्यों पढ़ाता? नहीं चले। तो इंपीडेंस रिले इज यूज्ड, इंपीडेंस रिले, तो बेटा इंपीडेंस रिले मतलब होता है हमारा, आपको भी पता है जेड, और इंपीडेंस रिले को हम लोग यूज करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? हमेशा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। और शॉर्ट यूज करते हैं रिएक्टेंस रिले, लॉन्ग में यूज करते हैं मोह या फिर एडमिटेंस रिले। इन द स्पॉट वेल्डिंग द कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ द बेस मेटल डिटरमाइंस, एक स्पॉट वेल्डिंग में कंपोजिशन जो होता है हमारा, द कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ बेस मेटल डिटरमाइन, कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ बेस मेटल डिटरमाइन द होल्डिंग टाइम्स, द अमाउंट ऑफ वेल्ड करेंट, द अमाउंट ऑफ स्क्वीज प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव। इन स्पॉट वेल्डिंग द कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ द बेस मेटल डिटरमाइंस, एक स्पॉट वेल्डिंग में थिकनेस ऑफ बेस मेटल और उसका कंपोजिशन क्या डिटरमाइन करता है? एक स्पॉट वेल्डिंग में कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ बेस मेटल डिटरमाइन, तो बेटा बेस मेटल का थिकनेस और कंपोजिशन क्या 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 डिटरमाइन करने के काम आता है? बेसिकली क्या डिटरमाइन करने के काम आता है? होल्डिंग टाइम, अमाउंट ऑफ वेल्ड करंट, अमाउंट ऑफ स्क्वीज प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा कुल मिला के कंपोजिशन और थिकनेस जो है हमारा बेस मेटल का, ये डिटरमाइन करने के काम आता है होल्डिंग टाइम, अमाउंट ऑफ वेल्ड करंट, अमाउंट ऑफ स्क्वीज प्रेशर, राइट। नेक्स्ट, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट इज इक्विवेलेंट टू, जब हमारा एक डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? एक स्विच के, एक ऑफ स्विच के, एक हाई रेजिस्टेंस या हाई कैपेसिटेंस, जल्दी बताएंगे। एक हाई रेजिस्टेंस या फिर एक हाई कैपेसिटेंस, एक डायोड जो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? तो अगर हम एक डायोड की बात करेंगे जो कि हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, एक डायोड जो कि हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट होता है? तो एक फॉरवर्ड बायस्ड डायोड हमारा इक्विवेलेंट होता है बेटा किसके? ऑन रेजिस्टेंस के। और एक हमारा डायोड जो कि रिवर्स बायस होता है, ये इक्विवेलेंट होता है एक ऑफ स्विच के, ये इक्विवेलेंट होता है एक ऑफ स्विच के। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑन स्विच एंड ऑफ स्विच, राइट? एब्सोल्युटली राइट सर। चल नेक्स्ट, Which of the following terms is not associated with diode? इनमें से बेटा कौन सी ऐसी टर्म है जो डायोड के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो डायोड के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है? डिप्लीशन रीजन, गेट, कैथोड या एनोड, चलिए बताएंगे। इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो डायोड के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है? डिप्लीशन रीजन, गेट, कैथोड या फिर एनोड। Which of the following term is not associated with the diode? डायोड के साथ एसोसिएटेड ना होने वाली टर्म कौन सी है? डायोड के साथ एसोसिएटेड ना होने वाली टर्म कौन सी है? तो बेटा डायोड के साथ एसोसिएटेड क्या नहीं है? डिप्लीशन रीजन एसोसिएटेड है। उसके बाद क्या बात करेंगे? डायोड के लिए कैथोड है, एनोड है, बट ये गेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि गेट पाया जाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में। कहाँ पाया जाता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में, ठीक है। चलिए सर, एमपीएस इंजीनियर का रिजल्ट कब तक आएगा? अमित देखो बेटा, ये आज की डेट, आज के समय का ये सबसे हॉट टॉपिक है कि एमपीएस इंजीनियर का रिजल्ट कब आएगा। अब वो ये रहा है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में कुछ हमारे डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं जिनको बड़ी समस्याएं थी, है ना, इस एग्जाम को लेकर के। तो उन्होंने क्या करके रखा है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर बेंच, जितनी भी है हाई कोर्ट्स की बेंच, सभी में केसेस डले हुए हैं अलग अलग पर्सन के द्वारा, अलग अलग पिटिशनर्स। अब सब इंजीनियर के पास आपका, मतलब पीबी के पास आपका रिजल्ट रखा हुआ है, तो पीबी सारे कोर्ट से पीबी को ये बोला जा रहा है कि भैया हमसे बिना परमिशन लिए रिजल्ट में डिक्लेयर करना। तो पीबी करता ही जा रहा है सारी जगह से, कोर्ट कोर्ट से अपने रिजल्ट्स का स्टे हटवा हटवा के क्लियरेंस ले रहा है, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि अभी शायद जबलपुर बेंच से क्लियर हो गया है, ग्वालियर बेंच से क्लियर हो गया, अभी इंदौर बेंच की हियरिंग बाकी है, तो वो हियरिंग शायद अभी 9 या 13 तारीख के आसपास है, तो वो भी क्लियर हो जाएगी, तो फिर वो भी हो जाएगा, या अर्जेंट हियरिंग भी ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है भाई देखो, रिजल्ट तो आएगा, है ना, रिजल्ट तो आएगा, उसमें आप, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, और फरवरी तक खिंचेगा नहीं, उसके पहले आ जाएगा, क्योंकि फिर बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना है, तो रिजल्ट तो आ जाएगा आपका, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रिजल्ट तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। चलो
द रिएक्टेंस रिले इज एसेंशियली, एक रिएक्टेंस रिले एसेंशियली क्या होता है? चलिए, रिएक्टेंस रिले इज एसेंशियली एंड ओवर वोल्टेज रिले विद करंट रीस्ट्रीम एंड ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल रेजिस्टेंस, अ डायरेक्शनल रिले विद वोल्टेज रेजिस्टेंस, अ डायरेक्शनल रिले विद करंट रेजिस्टेंस। चलिए बताएंगे गाइस, फटाफट 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 फटाफट। A reactance relay is essentially an over voltage relay with current restraint, an over current relay with directional restraint, a directional relay with voltage restraint, या directional relay with current restraint. एक over current relay बेटा हमारी, और वो भी directional restraint के साथ। एक over current relay है, वो भी directional restraint के साथ। मतलब कुल मिलाके हमारी reactance relay में directional जो है वो restrained है और over current relay ध्यान रखिएगा। ठीक है, next question. What are the SI units of refractive index? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नो यूनिट्स या न्यूटन पर मीटर। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसी तरीके का कोई यूनिट नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये ऑप्टिक्स के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग मटेरियल के लिए आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर आउटपुट फ्रॉम अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन। एक पावर आउटपुट की बात करेंगे, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? हेड पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ डैम एंड डिस्चार्ज पे करता है, हेड पे करता है, डिस्चार्ज एंड एफिशिएंसी पे करता है, टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब पे करता है, टाइप ऑफ टर्बाइन पे करता है, एफिशिएंसी पे करता है, टाइप ऑफ डैम डिस्चार्ज एंड टाइप ऑफ कैचमेंट एरिया। तो पावर आउटपुट जो है हमारा एक हाइड्रो पावर प्लांट का किस चीज पे डिपेंड करता है? Power output from a hydroelectric power plant depends upon. Power output from a hydroelectric power plant depends upon. तो एक hydroelectric power plant की अगर हम बात करें, एक hydroelectric power plant की अगर हम बात करें, तो basically हमारा जो है ना, हमारा जो power output है ये किस पे depend करता है? तो एक hydroelectric power plant की बात करेंगे तो हमारा जो power output है ये depend किस पे करता है बेटा, है ना, आपका डिपेंड करता है हेड पे, पानी का डिस्चार्ज कैसा है और एफिशिएंसी कैसी है, किसकी, सिस्टम की, और आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कैसी है। सॉरी सर फॉर लेट, कोई दिक्कत नहीं स्वाति। चलिए नेक्स्ट, अ नंबर कंटेन्स, अ नेटवर्क कंटेन्स बी ब्रांचेस एंड एन नोड्स। एक नेटवर्क है जिसकी ब्रांच बी है और एन नोड्स है। नंबर ऑफ मैश करंट इक्वेशन वुड बी। तो मैश करंट की इक्वेशन क्या होगी? A number, a network contain B branches and N nodes. The number of mesh current equation would be. 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 A network contains B branches and N nodes. The number of mesh current equation would be. जल्दी बताइए। जल्दी। A number contains B branches and N nodes. A number of mesh current equation would be. So B minus N plus 1. ये हमारा बेटा एक नेटवर्क होता है, उसके अंदर B branches होती हैं और N nodes होते हैं। ठीक है? तो B minus N plus 1 is the correct answer. Next. A small piece of metal conductor is dragged across the gap between the pole pieces of the magnet in 0.5 seconds. The magnetic flux between the two poles is this. The average induced EMF in the conductor will be. Jale karenge. Jale. Jale karo. So this question aapke hisab se lallu question hai. Bahut zyada. चलिए करो इस क्वेश्चन को। A small piece of metal conductor, a small piece of metal conductor is dragged across the gap between the pole piece of a magnet in 0.5 seconds. The magnetic flux between the two pole pieces is 0.8 milliweber. The average induced EMF will be. चलिए बताएंगे average induced EMF कितना होगा। अब यार यहाँ पे average induced EMF कैसे निकालेंगे? हाँ, यहाँ पे average induced EMF कैसे निकालेंगे? तो बेटा यहाँ पे average induced EMF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
इंड्यूस डीएमएफ हमारा होता है एन डी फाइव बाई डी टी। लेकिन बेटा अब यहाँ पे एन तो क्या है, कोई है ही नहीं, स्मॉल पीस ऑफ मेटल कंडक्टर, कुछ है क्या नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो वो ये है और डी टी हमारा ये है। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.5 मिली वेबर की अगर हम बात करेंगे तो ये मिली वोल्ट के अंदर आ जाएगा कितना, 8/5। 8/5 जो होता है वो 1.6 होता है, तो 1.6 मिली वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? यस। आफ्टर पूरा लिखा कर निकाल दिए सर, क्या निकाल दिए, पूरा भी तो लिखा कर क्या निकाल दिए। चलो, आफ्टर फायरिंग एन एससीआर द गेटिंग पल्स इज रिमूव्ड, देन द करंट इन एससीआर विल बी, आफ्टर फायरिंग एन एससीआर गेटिंग पल्स इज रिमूव्ड, देन द करंट इन एससीआर विल बी, देन द करंट इन एससीआर विल बी, आफ्टर फायरिंग द एससीआर द गेटिंग पल्स इज रिमूव्ड, देन द करंट इन एससीआर विल बी। चलिए तो अगर आप एस सी आर को गाइस फायर करते हो और गेट पल्स रिमूव कर देते हो तो एस सी आर का करंट क्या हो जाता है, रिमेन द सेम। बिल्कुल सही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आप गेट पल्स लगा के रखे हो या गेट पल्स को रिमूव कर चुके हो, दैट डजंट मैटर, है ना। गेट पल्स को आप लगा के रखे हो या गेट पल्स को रिमूव कर चुके हो, दैट डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, जल्दी बताएंगे। एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का बेटा एसआई यूनिट बाय डिफॉल्ट सब क्या है, केल्विन। केल्विन साहब का पूरा नाम क्या था, लॉर्ड केल्विन। क्या नाम था, लॉर्ड केल्विन। चलिए, आधी जनता तो इसी में उलझी रहती, बफर हो रहा है कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है। अरे भैया, बफरिंग वाली जो बातें हैं वो आपके एंड पे होती है बेटा, नहीं तो बफर मेरे एंड पे भी हो जाता। चलिए, है ना, तो आपका कभी कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है, इसकी वजह से आपको बफर देखने को मिलती है। ठीक है, चलो और ले लो जियो, और ले लो जियो, सिर पे चढ़ा दिया पूरे जियो को भारत देश के अंदर, गजब का सिर पे चढ़ाया भाई, देखो तो गजब का गजब है। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर इज द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, उसका पूरा नाम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ही होता है, प्यार से टेम्परेचर बोल देते हैं। चलिए, द कॉज ऑफ डिप्लीशन बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करेंगे तो डिप्लीशन बैरियर यानी कि पोटेंशियल बैरियर का कॉज क्या है, जल्दी बताएं। तो क्या है, सही बताऊं तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, मान लो आपने अपने बर्थडे की पार्टी दी है सबको, कितने लोगों को, 50 लोगों के हिसाब से सोचा कि मैं अपने बर्थडे की पार्टी 50 लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, तो आपने सोचा मैं अपने बर्थडे की पार्टी जो है वो 50 लोगों को देता हूँ, ऐसी आपके दिल की इच्छा है। ठीक, चलिए, तो आप उतना ही कर सकते थे, आपको लगता है भाई मेरी उतनी ही चद्दर है, मैं 50 लोगों से ज्यादा को खाना नहीं खिला सकता, है ना, 50 लोगों से ज्यादा को खाना नहीं खिला सकता, मेरी उतनी ही चद्दर है, उतना ही पैर फैलाऊंगा। ठीक है, तो आपने 50 लोगों के हिसाब से अरेंजमेंट कर लिया, गलती आपसे ये हो गई कि आपने सबके कार्ड पे लिख दिया था विथ फैमिली। तो आज भारत देश में क्या होता है, विथ फैमिली में हम जो सोचते हैं वो विथ फैमिली नहीं होती है। जैसे आपने किसी दोस्त को बुलाया तो वो अपने चार दोस्त को ले आता, वही उसकी फैमिली है। अगर आपने लिख दिया फैमिली, हो सकता है पड़ोसियों को भी लेके आ जाए, पूरे 5-7 वो भी आ जाए, तो फैमिली इज फैमिली, है ना। वो जिस आपके हिसाब से फैमिली नहीं आती, वो जिसको फैमिली मानता वो पहुंच जाता है, समझ रहे हो। मतलब वो कहीं जा भी रहा होता, अरे भाई कहां जा रहा, मैं तो शादी में जा रहा हूँ, चल आ रहा है क्या, भाव चल मैं भी आ रहा हूँ, मिलते हैं, समझ रहे हो। खाना खाएगा, अरे हाँ खा तो लिया, एक बार खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आइसक्रीम तो खाई लूंगा, फिर पता चलता प्लेट लेकर के खाना भी खाई लेता है। तो ये अपने कंट्री है, 50 को बुलाओगे 85 आते हैं, क्लियर, 50 को बुलाते हो 85 आते हैं। अब 85 अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत तो 50 के 50 को पूरे को होनी है। बस यही चीज हो गई है आपकी जियो के साथ, क्या जो ये आप इतना ज्यादा जो वेरिएशंस देखते हो ना, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं, है ना। कि मतलब जितना जितना आपके पास बफर था, उस बफर से कहीं गुना ज्यादा आपके पास डिमांड नहीं हो गई थी।
ठीक है चलिए आ जाओ। द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड के अंदर सर आप सुपर कोचिंग में क्लास कितने बजे लेते हो? वहीं पे लिखिए ना, लाइव क्लास है ना यार। आयुषी सर हम क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, कितने महीने वाला लेना चाहिए? क्रैश कोर्स कुछ होता ही नहीं आयुषी। क्रैश कोर्स इज नथिंग बट इट इज द कोर्स विच मेक स्ट्रॉन्ग योर फीलिंग्स, बट इट इज द कोर्स विच डज नॉट हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। क्रैश कोर्स मन को सांत्वना देने के लिए होने वाला कोर्स है, इससे कोई सिलेक्शन नहीं होता। उससे अच्छा तो आप कोर्स ही मत लो, रिविजन कर लो उतने टाइम में, बेस्ट। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा पोटेंशियल बैरियर का कॉज क्या है? कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन इज, तो बेटा पीएन जंक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर का कॉज ही होता है कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन यानी कि जमावाड़ा लग जाता है कहां पे? जंक्शन पर। तो यहां पे हमारे पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, यहां पे हमारे नेगेटिव आयंस हो जाते हैं, ये यहां इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये यहां इकट्ठे हो जाते हैं तो इनका भैया क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हीट कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग यूज इज, एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर हीट कन्वेक्टर के अंदर कौन सा हीटिंग का मेथड हम लोग यूज करते हैं? एक इलेक्ट्रिक हीटिंग में कौन सा मेथड हम लोग प्रेफर करते हैं? एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर में कौन सा मेथड हम लोग प्रेफर करते हैं हीटिंग के लिए? एक इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वेक्टर में कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं हीटिंग के लिए? एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर में कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं हीटिंग के लिए? क्या बात है, सारा बुझ, लव यू यार। चलिए, इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हीट कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग, तो क्रैश कोर्स तो क्या है? भावनाओं के साथ इमोशनल सेंटिमेंट है, इमोशनल सेंटिमेंट इज क्रैश कोर्स, इट इज नॉट, इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती सिलेक्शन के लिए। इट इज जस्ट आपकी इमोशनल्स के साथ सेंटिमेंटल, जो आपको डर होता है ना एग्जाम के पहले, उस डर को खत्म करने का काम करता है क्रैश कोर्स, और कुछ नहीं, बस बस उतनी ही इंपॉर्टेंस है उसकी। इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग यूज, तो बेटा इलेक्ट्रिक रूम हीटर में कन्वेक्टर में कौन सा मेथड यूज करते हैं हीटिंग का? दैट मेथड इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस हीटिंग, दैट मेथड इज कॉल्ड इज बेटा रेजिस्टेंस हीटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम यूनिट, इनमें से कौन सा पेयर है बेटा जिसकी सेम यूनिट है? वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर, या वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट? चलिए बताएंगे, चलिए 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 चलिए। गुड, तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम यूनिट्स, इनमें से कौन सा पेयर है जिसकी सेम यूनिट्स होती हैं? तो सेम यूनिट्स की बात करेंगे तो वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर, तो बेटा सेम यूनिट किस किस की होती है? वर्क एंड एनर्जी। तो आपका वर्क और एनर्जी जो होता है बेटा ये अपने आप में सेम यूनिट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पॉट वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड फॉर, स्पॉट वेल्डिंग किस चीज के लिए हम लोग करके रखते हैं? स्पॉट वेल्डिंग एम्प्लॉयड फॉर, स्पॉट वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड फॉर, स्पॉट वेल्डिंग हम लोग जो करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं ये आपको बताना है। तो स्पॉट वेल्डिंग जो होता है ना, वो थिन मेटल शीट्स के लिए होता है, कास्टिंग ओनली थिक सेक्शंस, ये रफ एंड इररेगुलर सरफेसेस, रफ एंड इररेगुलर सरफेसेस, रफ एंड इररेगुलर सरफेसेस, रफ एंड इररेगुलर सरफेसेस। चलिए करें, तो बेटा स्पॉट वेल्डिंग हम लोग इम्प्लॉय करते हैं किस चीज के लिए? ये हम लोग इम्प्लॉय करते हैं पतली पतली मेटल शीट्स के लिए, जो कि जिनकी थिकनेस लिमिटेड है 10 से 12 mm। तो पतला पतला मेटल शीट्स है जिसकी थिकनेस लिमिटेड है, वो भी कितनी? 10 से 12 mm। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेस मोटर हैव कंपैरेटिवली लो स्टार्टिंग टॉर्क, इनमें से बेटा कौन सा सिंगल फेस मोटर है जो कंपैरेटिवली लो स्टार्टिंग टॉर्क रखता है? यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर, ऑल सिंगल फेस मोटर हैविंग जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, ऑल सिंगल फेस मोटर हैविंग जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। जल्दी करेंगे, नहीं तो AJE इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए बेटा, KBS के लिए AJE इलेक्ट्रिकल सब्सक्रिप्शन, उसमें मेरा जो AE का बैच है ना वो पढ़ना, मैं बता दूंगा अभी क्लास के बाद, डोंट वरी। ठीक है, क्लास के बाद बता दूं, आज ही ले लियो, आज टेक्स्ट बुक का बर्थडे की सेल चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर हैव कंपैरेटिवली लो स्टार्टिंग टॉर्क, एक सिंगल फेज मोटर की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली लो स्टार्टिंग टॉर्क कहां देखने को मिलती है?
कंपैरेटिवली लो स्टार्टिंग टॉर्क कहां देखने को मिलती है? तो कंपैरेटिवली लो स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो कंपैरेटिवली बेटा लो स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो ये हमको कहां देखने को मिलती है? कैपेसिटर मोटर, कहां देखने को मिलती है? कैपेसिटर मोटर। तो बेटा सबसे ज्यादा है ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इन चारों को अगर अपन कंपेयर करेंगे सबसे ज्यादा कम। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन, प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन, चलिए चलिए द प्रोसेस ऑफ स्पॉट। अब कुछ बच्चों को दिक्कत हो गई होगी वाले सवाल में, अरे चाचा यूनिवर्सल मोटर डीसी मोटर है तो डीसी वो भी डीसी सीरीज, इससे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसी की नहीं होती है। रिपल्शन मोटर भी आपकी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है, सीरीज मोटर की तरह काम करती है। ऑल सिंगल फेज मोटर हैव जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, ऐसा कभी भी नहीं होता है, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? आज का पेपर कैंसिल हो गया? यस हीरा, आज का पेपर कैंसिल हो गया बेटा, मेरे को पता चला टेक इश्यूज की वजह से 22 तारीख को होगा डीआरडीओ है ना। आज का पेपर डीआरडीओ का कैंसिल हो गया, मेरे को पता चला वो टेक इश्यू की वजह से होगा, मेरे को मालूम समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, द प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, द प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, द प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन हीट जनरेशन। सर हम अभी सेंटर में है भोपाल में, क्या बात है हीरा भाई, बधाई हो। कहां पे, कौन से सेंटर पे, कौन से सेंटर पे? ट्रिनिटी है या एस आई आर टी, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी या ट्रिनिटी, दोनों में से कौन सी जगह पे ये बता दे बस। द प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन हीट जनरेशन कमलापति। अभी ये भोपाल में कब आ, ये भी कॉलेज है क्या? चलो, the process of spot welding basically depends upon, ये कौन सा कॉलेज आ गया, मैं सुना ही नहीं था यार, दुकानें तो बहुत खुली हैं, कुछ नहीं कहते। the process of spot welding basically depends upon, process of spot welding basically depends upon, the process of spot welding basically depends upon, the spot welding की जो process है वो depend करती है बेटा heat generation and application of forging pressure, कितना ज्यादा heat generation आपको करना हो और कितना pressure आपको apply करना हो, clear? चलिए ध्यान रखिएगा। डैश इज अ ट्यूब दैट ब्रिंग्स वाटर टू टर्बाइन। बेटा पानी टर्बाइन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी टर्बाइन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कमलापति तो ऐसा नाम रख दिया भाई, कमला का एक ही पति रहने तो इतने सारे काहे पति पति बना दिया यार, कॉलेज का नाम कमलापति, हबीबगंज का नाम कमलापति है, और कौन का? एक पार्क भी है कमलापति है, एक ही को रहने तो कमला का पति इतने सारे बना दिया है। चलो, डैश इज अ ट्यूब दैट ब्रिंग्स वाटर टू द टर्बाइन, दैट इज अ ट्यूब विच ब्रिंग्स वाटर टू द टर्बाइन, वाटर टू द टर्बाइन के लिए कौन सा, क्या पानी लेके आता है? ठीक है, क्या पानी लेके आता है? स्पिल वे नहीं बेटा, ट्रैश रैक नहीं, फॉर वे नहीं, दैट इज पेनस्टॉक। पेनस्टॉक एक टंकी है जो पानी एक्चुअल में नीचे लेके आती है, ठीक है, इट इज जस्ट अ कंडूइट पाइप। एन इम्पीडेंस रिले इज यूज फॉर, एक इम्पीडेंस रिले बेटा किस चीज के यूज के काम आता है? ट्रैश रैक क्या है आदित्य? ट्रैश रैक का मतलब ये होता है कि जैसे जब टरबाइन से पानी गिरता है ना, जब टरबाइन से पानी गिर, टरबाइन पे पानी गिरता है उसकी ब्लेड्स पे, जब टरबाइन पे पानी गिरता है उसकी ब्लेड्स पे, तो फिर पानी जाएगा कहाँ? तो वो पानी, जब वो पानी क्या करता है, इकट्ठा होता जाता है एक जगह पे, जब वो इकट्ठा होता जाता है तो उस पानी के अंदर क्या होता है, पत्थर, कंकड़, कागज, पत्ता। तो भारत देश में तो आपको पता ही है ना, दीवारें भी लाल होती है, तो क्या पता पावर प्लांट में चलता फिरता कोई वहां के पानी को भी लाल कलर से प्रोड्यूस कर दिए, समझ रहे हो ना बात को? तो इस गंदगी को, ये जो बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स हैं, इनको 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 रिमूव करने के लिए पानी को पास किया जाता है एक छलनी से, छलनी मतलब एक छलनी से, ताकि बड़े बड़े पार्टिकल्स जाएं और पानी जो है वो फिर हम लोग वो भेज दें कहां पे, इंडस्ट्रीज को, या मान लो सिंचाई के लिए भेज दें। अब सिंचाई के लिए पानी भेजेंगे तो ऐसा पानी तो नहीं भेजेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर दें, दैट इज द आज एफसीआई एग्जाम है, अभी ट्रेन में, लव यू भाई, बधाई हो, पेपर अच्छा देके आना, फोड़ देना, दो कोड़ी का पेपर आता है एफसीआई का, दो कोड़ी का, जेई का पेपर, मतलब देख के तेरे को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों आया है, आना ही नहीं था तेरे को। चलो, एक इंपीडेंस रिले बेटा हमारा क्यों यूज किया जाता है, जल्दी बताओ, एक इंपीडेंस रिले हमारा क्यों यूज किया जाता है? अर्थ फॉल्ट के लिए, इंटरफेस फॉल्ट के लिए, बोथ वन एंड टू या नन ऑफ द अबव, जल्दी बताएंगे।
एक इंपीडेंस रिले हमारा यूज किया जाता है किस चीज के लिए? एक इंपीडेंस रिले हमारा किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एक इंपीडेंस रिले हमारा किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एक इंपीडेंस रिले हमारा इंटरफेस फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इंटरफेस फॉल्ट के लिए। एक इंपीडेंस रिले हमारी इंटरफेस फॉल्ट के लिए यूज की जाती है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इन हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम बात करें, एक हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें ठीक है, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट सर एमपीपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई की वैकेंसी कब आएगी? आपने प्रीवियस वीडियो में बोला जनवरी फर्स्ट वीक, पर आप सराफ भाई देखो उस वैकेंसीज के बारे में बातें चल रही है, है ना, कब टपक जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, या इधर कल आ जाए या कब आ जाए कोई कुछ नहीं बोल सकता बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, इन हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो हाई इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो होती है, इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई। बेटा एक हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने में जो पैसा लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन करना है, फॉरवे का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी सिविल इंजीनियरिंग वर्क होता है। लेकिन इसको चलाने में उतना ज्यादा पैसा नहीं लगता तो इनिशियल कॉस्ट हमारी हाई है और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी लो, इनिशियल कॉस्ट हमारी हाई है और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी लो, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस द एक्टिव पावर कैन बी वेरीड बाय, एक जनरेटर को जब मैं इनफाइनाइट बस से कनेक्ट करता हूं तो हमारी एक्टिव पावर कैसे वेरी होती है? एक जनरेटर को जब मैं इनफाइनाइट बस से कनेक्ट करता हूं तो हमारी एक्टिव पावर कैसे वेरी होती है? तो बेटा अगर हमें हमारी एक्टिव पावर को वेरी करना हो, तो हमको प्राइम मूवर की स्पीड को वेरी करना पड़ेगा, बाकी एक्साइटेशन से कोई लेना देना नहीं है, हम हमारी प्राइम मूवर की स्पीड चेंजिंग द प्राइम मूवर स्पीड, तो प्राइम मूवर की स्पीड को हम लोग वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन। क्लियरिटी है क्या? यस सर। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, बेटा एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है ना, सभी जगह रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, पराग भाई मत आन देना यार, तू पढ़ाई करना बाकी के एग्जाम की, मत आन देना, आ जाएगा जब आना होगा, काहे को तल उड़ लेना जीवन में, आ जाएगा यार, तू पढ़ाई कर अपने बाकी एग्जाम की, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा मत आन दे उसको, क्या करें फिर अपन बता, क्या कर सकते हैं, कुछ अपने हाथ में है क्या? नहीं। सरकार हिला दें क्या पूरी की पूरी जाकर के? बोल, हिला सकते हैं क्या अपन? नहीं। बस फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट होती है बेटा कैंडेला, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट होती है कैंडेला, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? कैंडेला। एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है बेटा? कैंडेला इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, candela is the fundamental unit of a luminous intensity, clarity hai kya? yes sir, clarity। chaliye next, which of the following is the range of efficiency of a welding motor generator, which of the following is the range of efficiency, clear, which of the following is the range of efficiency of welding motor generator, beta welding motor generator ki efficiency ki range kitni hoti hai, वेल्डिंग मोटर जनरेटर की एफिशिएंसी की रेंज कितनी होती है, वेल्डिंग मोटर जनरेटर की एफिशिएंसी की रेंज कितनी होती है, जल्दी बताएंगे, वेल्डिंग मोटर जनरेटर की एफिशिएंसी की रेंज कितनी होती है? कोई नहीं, सारा बुझ भाई, लोड नहीं लेते जीवन। चल तो बेटा एक वेल्डिंग जनरेटर सेट की अगर हम बात करें, मोटर सेट की एफिशिएंसी जो होती है वो मात्र 50-60% होती है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी हमको देखने को नहीं मिलती। तो बेटा यह एक बहुत ही प्यारे लेवल के ब्यूटीफुल क्वेश्चन अपन लोग राइट नाउ अभी देख रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश टर्बाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, बेटा हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए है ना, ये क्वेश्चन एमपीआईटी एटीओ में देखा था शायद, क्या बात, बहुत बढ़िया। पराग भाई आप 3 बजे कॉल करिए मुझे आज, 3 बजे आप मुझे टेलीग्राम पे कॉल करिए आज, ठीक है। चलिए,
एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करूंगा तो टर्बाइन इज यूज फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, ठीक है। 3 बजे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश टर्बाइन इज यूज फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। एक हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए हमें किस तरीके के टर्बाइन को यूज करना पड़ता है, एक हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए हमको किस तरीके के टर्बाइन को यूज करना पड़ता है, एक हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए किस तरीके का टर्बाइन हमको यूज करना पड़ता है, एक हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए हमको किस तरीके के टर्बाइन को यूज करना पड़ता है। वर्ड अगर हाई बोल दिया मतलब पेल्टन, वर्ड अगर हाई बोल दिया मतलब पेल्टन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स अपॉन, एक जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है हमारा, और सभी बच्चे बेटा दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे तेजी से और क्रॉस करेंगे लाइक 60 फास्ट, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार दिल से लाइक करो 60, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फास्ट। The junction capacitance of PN junction depends upon, the junction capacitance of PN junction depends upon, तो एक PN junction का junction capacitance हमारा किस पे depend करता है, doping पे depend करता है, applied voltage पे करता है, both doping and applied voltage या barrier potential only, the correct answer of this question is doping and applied voltage both, तो बेटा याद रखना junction capacitance doping और applied voltage दोनों पे depend करता है। Next, which of the following units is a fundamental unit, इनमें से कौन सी unit बेटा fundamental unit होती है, है ना, इनमें से कौन सी यूनिट फंडामेंटल यूनिट होती है, डिराइज टर्बाइन, ये टर्बाइन ने बेटा एक साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया था, दैट इज कॉल्ड डिराइज टर्बाइन, बाकी कुछ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज अ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कौन सी बेटा इनमें से, इनमें से फंडामेंटल यूनिट एम्पियर ओनली, ठीक है, एम्पियर इज अ फंडामेंटल, न्यूटन वॉट कैलोरी इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। चलिए, वॉट इज द वोल्टेज वी इन द सर्किट शोन बिलो, तो इस सर्किट का वोल्टेज V की वैल्यू बता दो बेटा कितनी होगी, ये देखो ये इस सर्किट के V की वैल्यू बता दो कितनी होगी, निकालिए V की वैल्यू। ये 5 एम्पीयर का करंट है गाइस, ये 20 एम्पीयर का करंट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 5, और आपको V की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज निकालना है, कैलकुलेट करें इस रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज, कैलकुलेट करें इस रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज, कैलकुलेट करें रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज जल्दी से। इस रेजिस्टेंस के पास के वोल्टेज को कैलकुलेट कर लो, चलिए चलो। तो बेटा यहां का देखो एक काम करते हैं, इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल है इसको मैं मान लेता हूं कितना V, इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल इसको मैं मान लेता हूं कितना V। अब जब इसको V मान लिया मैंने बाय डिफॉल्ट, V x मान लेते हैं, ठीक है, V x मैंने मान लिया बाय डिफॉल्ट, और यहां का पोटेंशियल मैंने मान लिया कितना V, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, बस सिंपल सा सॉल्व करना चालू कर देना है। सॉल्व करने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तो नोडल लगा दो, दूसरा एक और सब सिंपल सा तरीका बताऊंगा तो तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा, सब गदगद वाला मैं सब बता दूं। चलो तो बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस तुम्हारे सीरीज में दिख रहे हैं, 5 और 3 8, बोलो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हाँ सर, तो 5 और 3 8 हो गया। फिर ये 8 वाला जो रेजिस्टेंस है ये इस 8 ओम के साथ पैरेलल में, तो कितने हो गए, 4 हो गए, हाँ सर 4 हो गए। 4 के बाद है ना, ये देखो फिर से सुनना बेटा, 5 और 3 कितने हो गए मेरे लाल, 8 हो गए, 5 और 3 ओम कितने हो गए, 8 ओम, 8 और 8 ओम हमारे पैरेलल में हो गए तो कितना हो गया, 8 ओम और 8 ओम हमारे पैरेलल में हो गए तो कितना हो गया, 4 ओम। जब ये 4 ओम हो गया, ठीक है, 4 ओम हो गया, 4 ओम का 20 एम्पीयर के साथ क्या लगा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन, तो ये पूरी सर्किट सॉल्व हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी एक सीरीज वोल्टेज सोर्स में और एक रेजिस्टेंस में, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 20 एम्पीयर है और ये 4 है, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 वोल्ट, कितना हो जाएगा 80 वोल्ट। तो ये एंटायर सर्किट बेटा मेरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक एक वोल्टेज में, है ना, एक वोल्टेज में और एक रेजिस्टेंस में, एंटायर सर्किट मेरी कन्वर्ट हो जाएगी एक वोल्टेज में और एक रेजिस्टेंस में।
80 वोल्ट और ये क्या हो जाएगा गाइस 4। अब इसके बाद देख लेते हैं बेटा यहाँ पर ये 5 और ये 2, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा इनके अंदर कितना 10 ओम का, ये देखो। अब आपकी सर्किट ये बन जाएगी, ये जो मैंने बनाई है ना, ये अब आपकी फाइनल सर्किट बन गई। ठीक है, बस सॉल्व ही हो गया। तो 80 और ये यहां पे कितना है भैया 5 टू 10, तो 80 और 10 कितना होता है 90 डिवाइडेड बाय 4 और 4 के बाद 2 और 10, 4 तो 10 14 और 1 16, तो 16 है ना, और 80 और 10 90/16, तो 90/16 तो आ गया करंट, करंट में मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो 900/16 आ जाएगा। कितना आता है ये क्लियर, कितना आता है ये आता है 56.25, बस खत्म हो गया। 56.25 आएगा, 56.25 समझ में आ रही लगी क्यों, समझे, अरे समझे, अरे बूझे, अरे बूझे कि नहीं बूझे, जल्दी बोलो, अरे बूझ गए, आए बूझ गए ना, गुड, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट वोल्टेज सोर्सेस ट्रांसफर्ड, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बताइए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बताइए जल्दी, है ना, और सेशन को लाइक करेंगे 65 जल्दी, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक सेशन में 65 लाइक हो जाने चाहिए बेटा, यही अपना प्यार है और कुछ नहीं है जीवन में, है ना, ध्यान रखो। चलो, अरे हिमाचली जी बड़े दिनों बाद हैं, ऐसा क्यों, इतने दिन बाद कैसे, क्या हाल चाल, कहां चली गई थी, हिमाचल से सीधा हिमाचली कहां गई थी, हैं मालूम है मेरे को आपके नाम के आगे चली लिखा हुआ है, लेकिन कहां थे अपन। चलो, इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट, इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट, मुन्ना भैया पढ़ाई कैसे चल रही है, हैं पेपर कितनी तारीख को है, डीआरडीओ का, सीबीटी 2 का, देख लेना भैया, निकल लेना इस बार, हैं यही थी सर यूट्यूब थोड़ा काम कर दिया थोड़ा, अच्छा यही थी सर यूट्यूब थोड़ा कम कर दिया, अच्छा यूट्यूब थोड़ा कम कर दिया, 4 बजे क्लास लीजिएगा क्या सर, नहीं आज 4 बजे नहीं होगी, आज 5 बजे तो एडीसी का क्लास है, तो इसलिए तो अभी कर दिया। आप मध्य प्रदेश में कहां से हो, मैं मध्य प्रदेश में भोपाल से हूं भाई। चलो, इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट वोल्टेज सोर्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द करंट सोर्स, इंडक्टर इज ट्रांसफॉर्म्ड इन वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इन रजिस्टर, इंडक्टर इज ट्रांसफॉर्म्ड इन कैपेसिटर, चलिए करें। एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं करंट सोर्स में, इंडक्टर को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वोल्टेज सोर्स में, कैपेसिटर को ट्रांसफॉर्म करते हैं रेजिस्टर में, या इंडक्टर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द कैपेसिटर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वोल्टेज सोर्स हमारा जो है हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, करंट सोर्स के अंदर। बेटा अगर हमारा वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्म हो जाए करंट सोर्स में, क्लियर है ना, कोस्ट हमारा महाजनकों के लिए यूजफुल होगा क्या, अरे यश भाई जयेश भाई मेरी जो क्लास है बेटा ये हर भारत का ही जे इलेक्ट्रिकल का बच्चा देखता है, चाहे महाजन को यही हो या जे हो, महाट्रांसको के पेपर में 50 में से 45 क्वेश्चन एज इट इज क्लास में से मिले हैं। ठीक है, तो महाजन को यही जे हो, पीजीसीआई हो, वेस्ट बंगाल पीएससी हो, डीआरडीओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट बेटा तो याद रखना, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट में वोल्टेज सोर्स हमारा ट्रांसफॉर्म किया जाता है हमेशा किसमें, करंट सोर्स। Which of the following is not a derived quantity? इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो derived quantity की कैटेगरी में नहीं आती? इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो derived quantity की कैटेगरी में नहीं आती? Derived quantity की कैटेगरी में नहीं आती वर्क फोर्स टेम्परेचर या प्रेशर, derived quantity की कैटेगरी में कौन नहीं आता? भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत फेमस है, यस भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत फेमस है, एक बहुत बड़ा हादसा, हजारों लोगों की, लाखों लोगों के साथ दिक्कत हुई। चल, उस समय लोगों ने देखा, लोग जमीन पे थे, उठाने वाला कोई नहीं था, जो गिर गया वो गिर गया, ये सिचुएशन थी, रियलिटी ये है, बाकी न्यूज में तो कुछ भी दिखा देते हैं, रियलिटी यही है कि जो इंसान जमीन पे गिरा हुआ है उसको उठाने कोई नहीं जाएगा, चाहे वो अपने ही घर का मेंबर क्यों ना हो जाए, इस लेवल पे सिचुएशन बिगड़ चुकी थी।
ठीक है, इस लेवल पे सिचुएशन बिगड़ चुकी थी कि जो जमीन पे गिरा है उसको कौन उठाए, हम बच जाए वही बहुत है। इस लेवल पे सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, इंसानियत खत्म हो चुकी थी पूरी, सिर्फ इंसान को एक ही चीज दिख रही थी कि वो कैसे भी करके खुद बच जाए बस, बाकी सब अपनी जगह ठीक है। ठीक है, बाकी जगह अपनी जगह सब ठीक है, बस वो खुद बच जाए। खुद को बचाने के लिए पूरी रात भर उसने प्रयास किए। दिस इज एक्चुअली कंडीशन। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। आप टेंशन ना ले, आपके लिए लाखों बच्चे आएंगे, मतलब मैं गिरूंगा, तूने पहले ऐसा बोल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इनमें से डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है? वर्क फोर्स टेम्परेचर या प्रेशर? वर्क फोर्स टेम्परेचर या प्रेशर? द करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर को बेटा डिराइव नहीं कर सकते, बाकी वर्क आपका डिराइव है, फोर्स आपका डिराइव है, प्रेशर आपका डिराइव। सर आप थे क्या वहां? नहीं भैया, मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय, मेरा जन्म नहीं हुआ था बेटा उस समय, मैं नहीं था उस समय, 1984 की बात है, 84 में थोड़े जन्म लेके बैठा हूँ। वॉट टाइप ऑफ टर्बाइन इज द कैप्लान टर्बाइन? कैप्लान टर्बाइन क्या है? वॉट टाइप ऑफ टर्बाइन इज अ कैप्लान टर्बाइन? जल्दी करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ टर्बाइन इज अ कैप्लान टर्बाइन? जल्दी करेंगे। चलो, व्हाट टाइप ऑफ टर्बाइन इज अ कैप्लान टर्बाइन? कैप्लान टर्बाइन बेटा किस तरीके का टर्बाइन है? हमारा कैप्लान टर्बाइन का जो नेम है वो है एक्सियल फ्लो टर्बाइन। तो अगर आप लोगों ने बेटा मेरी बैच में क्लासेस ली होंगी तो मैंने हमेशा बताया है ना, हमेशा मैंने बताया कि कैप्लान किस तरीके का टरबाइन है। ये सारी चीजें मैं हमेशा बता देता हूँ भैया कि कैप्लान आपका किस तरीके का टरबाइन है ना, फ्रांसिस कैसा है, उनके शेप कैसे हैं, ये सारी चीजें गाइस हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है, सारी चीजें बेटा हम लोगों ने क्या करी हुई है, डिस्कस करी हुई है। कैप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन, सारी चीजें हम लोगों ने बेटा डिस्कस करी हुई है। चलो इधर आ जाओ। नेक्स्ट, रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रेफर्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बेटा रिएक्टेंस रिले नॉर्मली प्रेफर्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। एक रिएक्टेंस रिले किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है? एक रिएक्टेंस रिले नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए, है ना? एक रिएक्टेंस रिले किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए प्रेफर करते हैं? एक रिएक्टेंस रिले, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, रिएक्टेंस रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होती है और इसका जो प्रेफरेंस है यूज करने का वो बेसिकली क्या है, अर्थ फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश रिड्यूसेस वाटर हैमर इफेक्ट इन पेन स्टॉक। तो जो पेन स्टॉक होता है, जब उसमें बेटा पानी भर जाता है तो पेन स्टॉक का जो पानी होता है वो दीवारों पे अपना फोर्स लगाता है ताकि पेन स्टॉक के फटने के चांसेस, पेन स्टॉक के फटने के चांस, उसको वाटर हैमरिंग बोलते हैं, यानी कि जब पेन स्टॉक में प्रेशर बढ़ जाता है, उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग अ सर्ज टैंक। उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग अ सर्ज टैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। एक स्पॉट वेल्डिंग का पावर फैक्टर कितना होता है बेटा? एक स्पॉट वेल्डिंग का पावर फैक्टर कितना होता है? यूनिटी, 0.8 लैगिंग, लीडिंग या 0.3 से 0.5 लैगिंग? चलिए बताएं। द पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। पावर फैक्टर की बात करेंगे वो भी स्पॉट वेल्डिंग मशीन की, वो कितना होता है बेटा? वो 0.5 से लेके 0.3 लैगिंग के आसपास होता है, 0.3 से 0.5 लैगिंग के आसपास हमारा पावर फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स विल बी चीपर। इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव हमारा चीपर है, यानी कौन सा सस्ता है, मतलब कौन सी मोटर सस्ती आएगी? 10 मोटर ले लो 10-10 एचपी की, 5 मोटर ले लो 20-20। अबे क्या दुकान वाले भैया बना दिए ये सवाल ला करके? ये दुकान वाले भैया जैसा सवाल नहीं दिख रहा। अरे भैया 10 एचपी की 10 मोटर कितने की लगेंगी, लगा लो हिसाब अपने हिसाब से। चलो 20 20 की 5 कितने की लग रही है? अच्छा, फिर दुकान वाले भैया वो कैलकुलेटर लेके बैठते हैं जो आगे से ठुड्डा उसका मोड़ा रहता है, वही वाला कैलकुलेटर चलता है ना दुकान पे, ठुड्डा जिसका आगे से मोड़ा रहता है स्क्रीन। ठीक है, 100 एचपी की कितनी पड़ेंगी 3 फेज की मोटर, 4 25 25 की कितनी लगेंगी लगा लो। तो भैया इनमें से बता दो कौन सा वाला सस्ता है रे, कौन सा वाला सस्ता है इनमें से बताओ? हैं, वही वाला कैलकुलेटर चलता है ना दुकान में, इसका ठुड्डा आगे से मोड़ा रहता है ऊपर। Which of the following alternator is will be cheaper?
जली, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विल बी चीपर, कौन सा अल्टरनेटिव चीपर है गाइस? ये क्वेश्चन एग्जाम में छप गया था, क्या बात है, वाह। चलिए तो बेटा, एक 100 एचपी की मोटर ले लोगे सस्ती पड़ेगी, ध्यान रखना है ना, जितनी ज्यादा मोटर लोगे छोटी छोटी रहेगी महंगी पड़ती है, सच्चा 100 एचपी की मोटर लोगे थ्री फेज की सस्ती पड़ेगी। फॉर वे क्या होता है? अरे तो भाई फॉर वे मतलब क्या होता है, जैसे बाढ़ वाड़ आ गई मान लो, अब तेरा रिजर्वायर जो होगा वो भर जाएगा, बाढ़ आ गई तेरा रिजर्वायर भर गया, तो वो जो भरा हुआ पानी एक्स्ट्रा उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा ना अपने को पावर प्लांट में से, तो उसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है, उस रास्ते को फॉर वे बोलते हैं, समझा? देख दो चीज होती है, एक स्पिल वे होता है एक फॉर वे होता है। अब सुन मेरी बात को, जब बाढ़ आ गई फ्लड की सिचुएशन आ गई, एकदम पानी लबालब हो गया, पानी मतलब रिजर्वायर ऊपर से भरा पड़ा हुआ है, पूरा पानी पानी भर रहा है, तो एक रास्ता बनाते हैं ताकि वो पानी का डिस्चार्ज डाउन स्ट्रीम साइड हो जाए, उसको बोलते हैं स्पिल वे। अब दूसरा होता है फॉर वे। अब फॉर वे क्या होता है जरा वो सुन, तो जो बाढ़ के समय में काम आता है वो स्पिल वे है, और फॉर वे क्या होता है जरा वो सुन, ठीक है? फॉर वे जो है वो क्या है, रिजर्वायर में कभी मान लो सूखा पड़ गया, पानी की टंकी मतलब रिजर्वायर में पानी कम है, ऐसी सिचुएशन में रिजर्वायर के जस्ट ऊपर एक इमरजेंसी टंकी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं फॉर वे। हम क्या करते हैं, जब रिजर्वायर में पानी ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी फॉर वे में बचा के रख लेते हैं, और जब रिजर्वायर की जरूरत होती है तो फॉर वे से वापस पानी ले लेता है। तो एक आर्टिफिशियल टंकी बना के रखते हैं जो रिजर्वायर से काफी छोटी होती है, जो पानी को कंट्रोल करने का काम करती है इमरजेंसी सिचुएशन में, रिजर्वायर उसको फॉर वे बोलते हैं। चल वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज इक्विवेलेंट टू अ करंट सोर्स ऑफ, चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को ट्राई गेट करेंगे, और क्रॉस द लाइन टू 70 गाइस, क्रॉस द लाइन टू 70 फास्ट। एक वोल्टेज सोर्स है बेटा जिसका ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा कितना 100 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम इज इक्विवेलेंट टू द करंट सोर्स, और जो कि करंट सोर्स के इक्विवेलेंट है, तो करंट सोर्स के जब इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज 100 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 50 है, 100 डिवाइडेड बाय 50 करूंगा तो कितना आएगा 2, तो 2 एम्पियर आ गया, और पैरेलल में करने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, पैरेलल में वापस से 50 ओम लगाना पड़ेगा, तो 2 एम्पियर इन पैरेलल विद द 100 ओम, तो 2 एम्पियर को हमको लगाना पड़ेगा बेटा पैरेलल में कितने के, है ना 100 ओम के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ बिलो, एक मिनट रुक जाओ, 50 ओम है ना 100 वोल्ट है, हां तो 2 एम्पियर लगाएंगे पैरेलल में किसके, 50 ओम, 2 एम्पीयर पैरेलल में 50। टिक गलत लगा दिया, बोला सही था टिक गलत लगा दिया। which one out of the below mentioned unit is not a fundamental unit, इनमें से कौन सी बेटा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो भैया नहीं कौन सी है, न्यूटन, इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मोल है, कैंडेला है, सेकंड है, न्यूटन फंडामेंटल नहीं होता, न्यूटन क्या है डिराइव्ड यूनिट, न्यूटन फंडामेंटल नहीं है, न्यूटन क्या है डिराइव्ड यूनिट, मास इनटू एक्सीलरेशन, वहां से ड्राइव होकर के आया है, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रो जनरेटर्स आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन एट, जो हमारे हाइड्रो जनरेटर्स होते हैं जनरली हम लोग उनको एम्प्लॉयड करते हैं ताकि वो रन करने लग जाएं 500 आरपीएम पे, 1000 आरपीएम पे, 1500 पे या 3000। हाइड्रो जनरेटर्स आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन एट, बट हमारे हाइड्रो जनरेटर जनरली यूज किए जाते हैं किस चीज को रन करने के लिए, हमारे हाइड्रो जनरेटर जनरली एम्प्लॉयड किए जाते हैं टू रन एट व्हाट, टू रन एट व्हाट गाइस, टू रन एट व्हाट चलिए बताएं, टू रन एट व्हाट ठीक है। तो हाइड्रो जनरेटर बेटा बहुत कम स्पीड पे घूमते हैं, मुश्किल से 500 से 800 आरपीएम, मतलब 1000 के ऊपर तो जाना ही नहीं है अपने, है ना 1000 के ऊपर तो जाना ही नहीं है। नेक्स्ट, द मैश करंट मेथड जो होता है हमारा, मैश करंट आप लोग ने देखेंगे क्या होता है ना, तो जो हमारा बेटा मैश करंट मेथड होता है वो प्लेनर नॉन प्लेनर दोनों के लिए काम करता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करता है, दोनों में से बताना है आपको क्या सही है क्या गलत। चलिए करो डिशुम 1000 क्यों नहीं लिए, आकाश 1000 तक तो पहुंच नहीं पाता बेटा, मुश्किल से 400, 500, 600, 800 आरपीएम बस, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाता।
चलिए घर आओ। चलो बेटा, अगर हम बात करेंगे मैच करंट मेथड की, वर्क्स इन बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर सर्किट यूजेस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्किट, है ना, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और नॉट टू। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारा जो मैश करंट मेथड है ये यूज करता है प्लेनर एंड नॉन प्लेनर सर्किट्स के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, वन वोल्ट, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन एंड टू। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू ऑनली। तो टू ऑनली इज द बेटा हमारा करेक्ट आंसर है। मैश करंट मेथड है हमारा, वर्क करता है बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर के लिए, यूज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, विच ऑफ द अबव इज द करेक्ट, दैट इज टू ऑनली, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ करेक्ट है, बाकी सब हमारा सही नहीं। द सर्किट शोन, तो हमारी जो सर्किट है बेटा ये बेसिकली किस तरीके की है, हमारी जो सर्किट है ये बेसिकली किस तरीके की है बेटा, तो हमारी जो सर्किट है बेसिकली ये किस तरीके की सर्किट है, तो हमारी जो सर्किट है ये बेसिकली किस तरीके की सर्किट है, ये हमारी सर्किट जो है किस तरीके की सर्किट है आपको बताना है। तो ये बताइए, लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, प्लेनर नॉन प्लेनर डिस्क्राइब कर दो। केविन भाई, प्लेनर मतलब होता है एक प्लेन का समतल, जैसे कि ये सर्किट है, ये तेरी प्लेन में यहां से जुड़ा हुआ है, ये तेरी प्लेन में सर्किट है, एक ही प्लेन में, इसको बोलते हैं प्लेनर, ये जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है। लेकिन नॉन प्लेनर कैसा होगा, ये ऐसा है, हाँ ठीक है, ये भी ऐसा है, लेकिन ये वाला जो है ये इस प्लेन में ना करके दूसरे प्लेन में उठ के चला गया, जैसे कि ये आया और इसके ऊपर से उठ के चला गया ऐसे करके, तो दूसरे प्लेन में चला गया ये, तो एक प्लेन तो ये होगा नीचे, ये वाला दूसरे प्लेन में चला गया, दिस इज कॉल्ड नॉन प्लेनर। समझे, आपके पीछे चल की चुप गई चल, ये लो अभी जी गई, अभी दिख गए खुश, दिखाइए सर फिगर। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। तो भैया ये किस तरीके का फिल्टर होता है बेटा, तो याद रखना, ये सर्किट याद कर लेना, तोते की तरह ये अपने आप में ना तो लो में पास करता ना हाई में ना कंपैरेटर में, ये अपने आप में सब कुछ पास कर देता है, ये फिल्टर है नहीं, इसलिए इसको ऑल पास फिल्टर बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल पास फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे कैसा होता है ये भी दिखा दो, दिखा रहा हूँ भैया दिखा, ये लीजिए, तो बाद से इसको याद कर लो, ये एक ऑल पास फिल्टर का एग्जाम्पल है। ऑल पास फिल्टर मतलब जो कुछ भी पास ना करे, जो सॉरी सब कुछ पास कर दो उसको ऑल पास फिल्टर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, ऑल पास फिल्टर। समझ में आ गई बात, यस सर, समझ में आ गई बहुत, यस सर। चलिए नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस तरीके का टर्बाइन यूज करते हैं, कैसे हो एकदम, क्या बात है अनुश्री, एकदम बढ़िया, क्या हाल चाल अनुश्री, है ना अपन अनुश्री फ्रॉम मालदा वेस्ट बंगाल, एम आई राइट और रॉन्ग, हाँ देखा, चलो आ जाइए, सही बोला ना मैंने एकदम। चलो, विच प्रिंसिपल टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए, यस क्या बात है, बहुत बढ़िया, विच है ना, विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन में क्या यूज करते हैं भैया, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर कैसा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बोथ इंपल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन, बहुत इंपल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। कैसा मालदा, कैसा एकदम बढ़िया है, बढ़िया मालदा एकदम, बगल बगल वाले परेशान तो नहीं कर रहे, इंपल्स पेल्टन रिएक्शन फ्रांसिस कपलान, कपलान की स्पेलिंग सही लिखा आकाश। चलो, विच प्रिंसिपल टाइप ऑफ टर्बाइन बेटा, कौन सा प्रिंसिपल टाइप ऑफ टर्बाइन जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं, बहुत इंपल्स एंड रिएक्शन दोनों यूज करते हैं, सबका स्टेट पता है मेरे को, मेरा बताइए, यूपीएमआरसी का कट ऑफ कितना जाएगा, वाह वाह, देखो यूट्यूब में भी अभी तक वीडियो नहीं बनी क्या, यूपी मेट्रो का कट ऑफ कितना जाएगा, अभी तक आ गई होगी यार, नहीं आई क्या भैया, रिस्पॉन्स शीट भेज देना बेटा यूपी मेट्रो वाले बच्चे सभी, मैं पेपर देख लूंगा एक बार कैसा आया था, है ना, जेई वाले बच्चे और एई वाले, एएम दोनों, बीटेक कर रही हूं अभी, आज कॉलेज की छुट्टी है इसलिए आ गई हूं, ओके क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करिए करिए बीटेक करिए एकदम, बीटेक का टेक टेक पूरा करो कंप्लीट, आ गया होगा अभी तक तो कट ऑफ, इतनी जल्दी कहाँ रुकते हैं, यूट्यूब में तो आ जाता तुरंत एकदम, यूट्यूब में तो आपकी रिस्पॉन्स शीट आने के पहले भी कट ऑफ आ सकता था, ठीक है चलिए आ जाइए। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ थ्री फेज फीडर इज,
मोस्ट कॉमन यूज्ड, अबे नॉन टेक्निकल सीजीएल लेवल का था ये, पेपर में पता चल गया था कि रिस्पॉन्स शीट आई तब पता चला ए? ये पेपर में पता चल गया, पेपर में देने के समय पता चला था कि अभी रिस्पॉन्स शीट आई जब पता चला, ये ऐसा भी आया था क्या नॉन टेक? चलो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ थ्री फेस फीडर, एक थ्री फेस फीडर के प्रोटेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेथड कौन सा है? टाइम ग्रेडेड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा इसका? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो बेटा याद रखिएगा, द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड है हमारा थ्री फेस फीडर के लिए, वो बेसिकली कौन है? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, द सर्किट शोन इन द फिगर एक्ट्स लाइक आ, इस अगर सर्किट की मैं बात करूं तो ये किसके जैसा काम करती है? अब इस सर्किट की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये किसके जैसा काम करेगी जल्दी बताएं, इस सर्किट की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसके जैसा काम करेगी जल्दी बताएं, ये सर्किट जो आपकी है ये किसके जैसा काम करेगी जल्दी बताएं, ये सर्किट आपकी किसके जैसा काम करेगी जल्दी बताएं, ये सर्किट आपकी किसके जैसा काम करेगी जल्दी बताओ, ये सर्किट आपकी किसके जैसा काम करेगी बेटा, ये सर्किट आपकी किसके जैसा काम करने वाली है? ये बेसिकली बेटा काम करने वाली है किसके जैसा? ये करने वाली है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। कैसा? लॉग। अगर एक ओपैम के अंदर बेटा अगर डायोड को तुम यहां लगा दो तो ये बनता है एंटी लॉगरिथमिक, और अगर डायोड को उठा के तुम यहां कर दो, रेजिस्टेंस को यहां कर दो, तो ये बन जाता है लॉगरिथमिक। तो एक लॉगरिथमिक और एक एंटी लॉगरिथमिक में डिफरेंस क्या होता है? अगर डायोड यहां लगा है तो ये है एंटी लॉगरिथमिक, और डायोड अगर यहां है तो ये है लॉगरिथमिक। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। एंटी लॉग को कैसे याद करें? अबे एंटी लॉग को तो याद करना जीवन में सबसे आसान है, इसका तो शुरुआत का जो वर्ड है ना यही इसको याद करवा देता है जीवन में, कैसे भूल सकता है कोई इस वर्ड को? तो करना कुछ नहीं है, ये डायोड अगर तेरा शुरुआत में लगा है और उधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो एंटी है, लेकिन डायोड इधर लगा हुआ है पहले रेजिस्टेंस लगा है तो लॉगरिथमिक। चलो आ जाओ। चलिए भाई, तो ये बेटा आज के हम लोगों ने इस लेवल पे क्वेश्चंस को टैकल किया। अब एक चीज है ना, अब एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ से डिस्कस करना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं जरा शांति से सुनेंगे। बेटा टेक्स्ट बुक को कल पूरे पूरे 9 साल हो गए हैं, जितने भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो वाकई में जेन्युइनली अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वाकई में फोड़ना चाहते हैं, सर आई वॉन्ट टू से समथिंग, यस जाहिर ई डबल ई जो बोलना है बोलिए बेटा, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, यस बोलिए 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 जाहिर, प्लीज सर सुनिए मेरी बातें। हाँ जाहिर आप बोलिए, आपकी बातें सुन रहा हूँ, ठीक है आपकी बातें बोलिए, आपकी बात सुन रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस जो भी बच्चे दिल से तैयारी करना चाहते हैं, जिनको भी लगता है कि यस सर हमें एग्जाम हमारा प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट, है ना एट एनी कॉस्ट हमें अपना प्रॉपर तरीके से एग्जाम क्लियर करना है, तो बेटा मेरी यूट्यूब की क्लासेस, मेरी मैराथन क्लासेस तो देखते रहो। लेकिन अगर आप वाकई में वेस्ट बंगाल पीएससी या पीजीसीआई या डीआरडीओ जैसे एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो या महाजैन को एजेई, तो बेटा मेरा जो बैच है जिसमें से अभी तक लाखों बच्चों ने पढ़ रखा है, ये जितने बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हो, काफी सारे बच्चे आपको बता भी सकते हैं, ठीक है, कि किस लेवल पे मैंने चीजों को पढ़ाया है। इन सारे लेवल पे अगर आप लोग चीजों को अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आज आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए। लाखों बच्चों ने अपने इसमें से पढ़ाई कर रखी है और लाखों बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं। इसका नाम है ए जे इलेक्ट्रिकल। जब आप इस ए जे इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करते हो, जब आप इस ए जे इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या ओपन होके आता है। एक ऐसी चीज ओपन होके आती है जिसको आज भारत का हर एक बच्चा पसंद करता है और कर रहा है काफी समय से। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको मिलता है मेरा ए और मेरा जेई दोनों का बैच, ठीक है, मेरा ए और मेरा जेई दोनों का बैच मिलता है, ठीक है। रिसेंटली अभी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो सदर्न स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहुत डिमांड थी कि मोहित सर हमें आपसे पढ़ना है लेकिन हमें हमें हिंदी नहीं आती है, हमें इंग्लिश में ही टोटल समझ में आता है। बहुत सारे बच्चों को बेटा समझने में दिक्कत हुई, एक स्टूडेंट था अंजन ने, उसने थोड़ा फिर भी समझने की कोशिश की, राइट नाउ वो केपीटीसी में सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगा गाइस, इंडिया के अंदर जिस लेवल पे यहाँ पे कंटेंट डिस्कस किया है ना, ये इतना आसान नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये इतना आसान नहीं होता है और इतना तो चाहिए होता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए। बेटा ये मेरा एई का बैच है और ये मेरा जेई का है। केवीएस के लिए आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, आपको इस लेवल पे प्रेफर करना है, और ये मेरा जेई का बैच है।
अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप लोगों को टेस्ट को पूरा ध्यान रखता है, रेलवेज का जेई का बैच आपका हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टेकल करना चाहता है तो एटीसी के बैचेस हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, नॉन टेक्निकल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉन टेक्निकल का बैचेस भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, और यही नहीं गाइस, आप लोगों को यहाँ पे इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स अकेडमी, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट जैसे सारे इंस्टीट्यूट का कॉन्टेंट, बैचेस, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप लोगों को यहाँ पे रेगुलर डाउट सेशंस मिलते हैं, रेगुलर आपको यहाँ पे पीवाईक्यू सेशंस मिलते हैं, रेगुलर आपको यहाँ स्ट्रेटेजी सेशन मिलते हैं, लाइव मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पे रेगुलर मिलता है, देन बेटा हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर रेगुलर है। यही नहीं गाइस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 महीने का ये जो कोर्स है उसमें 2 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, फिर से बोलता हूँ, 6 महीने का ये जो कोर्स है उसमें 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और ये मात्र 3919 का है, मात्र कितने का है, 3919 का है। और जैसे आप इसमें बेटा अप्लाई कूपन करोगे, MOHITK, तो जैसे आप लोग बेटा इसमें अप्लाई कूपन करोगे तो हमारे जो कूपन है वो है मोहित के, जैसे हम लोग बेटा मोहित के अप्लाई कूपन कोड करने जाएंगे तुरंत इसकी जो प्राइस है वो 3639 हो जाएगी, जो कि आज की डेट में सबसे रीजनेबल प्राइस है, और ये टेस्ट बुक अपनी 9th एनिवर्सरी पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो आज ही जाओ गाइस और मस्त तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट करो। यार चलिए, एमपीबी जेई का एग्जाम कौन लेगा, अभी कुछ नहीं बता सकते भैया कौन लेगा। सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, बार में मेरे एक्सीडेंट हो गया था, ईएमआई नहीं कर सकता हूं, तो प्लीज हेल्प मी, वांट टू कैंसिल माय सब्सक्रिप्शन बिकॉज ऑफ माय फाइनेंशियल कंडीशन। जाहिर बेटा ये अपनी पर्सनल बात है, इसको अपन यहां पे नहीं करते, तू मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करना, तो वहां पे मैं शायद तेरी कुछ हेल्प कर पाऊं, है ना, ये वाली बात अपन क्लास में नहीं करते, क्योंकि क्लास में क्या बहुत बच्चे सुनते रहते हैं, तो ये बात मैं तेरी वहां पर हेल्प करता हूं, उसकी तू चिंता मत कर, ठीक है। चलो भाई, तो फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूँ, है ना, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मुझसे जो हेल्प मुझसे जो हेल्प होते बनेगी वो मैं कर दूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मोहित कसनिया सर टेस्ट बुक, तो ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, मोहित कसनिया सर टेस्ट बुक, इसको फटाफट से ज्वाइन करें, मस्त तरीके से इसको एग्जीक्यूट करें और मस्त तरीके से इसको मचा दें। क्लियरिटी है क्या? यस सर, क्लियरिटी। चलो तो फिर मिलते हैं, और बेटा 5 बजे सारे बच्चे आज एटीसी की मैराथन सेशन के अंदर रहेंगे, यकीन मानो मैं आग लगा दूंगा, मैं बाजा बजा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी, मिलते हैं।